दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो आपका बैक एग्ज़ाम होने वाला है वो कब होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम रावत। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है, जिसमें भी उनका एनसी आया हुआ है, और कुछ स्टूडेंट की क्या है दोस्तों कि उनके जो जो पेपर हुआ है उसमें भी उनका जो है फेल हुए हैं, एनसी आया हुआ है नॉट क्लियर, और जिनका असाइनमेंट हुआ है उसमें भी कुछ लोग एनसी है मतलब नॉट क्लियर हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है इंग्लिश में अगर एनसी आ रखा है असाइनमेंट में भी और जो है उनके लिखित में भी, तो उनको कैसे वो पता कर सकते हैं कि मेरे किस किस सब्जेक्ट में एनसी आया हुआ है असाइनमेंट और उसमें। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना है, आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, तभी आप जान पाएंगे कि आप कैसे जो है एनसी जो आपका आ रखा है नॉट क्लियर, उसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और कौन कौन से जो है आपको फॉर्म फिल करने बैक एग्ज़ाम के। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट में देख के मैं आपको बताता हूं कि आपका अगर रिजल्ट आपको भी चेक करना है सेम इसी प्रकार से। तो देखिए, ये मेरे पास एक रिजल्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, जो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपके थ्योरी थ्योरी के हिसाब से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपका जो होता है 70 नंबर का आपका थ्योरी होती है, जिसमें से आपको दोस्तों 25 नंबर आपको जो है कंपलसरी है लाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्टूडेंट है इनका जो है गद्य साहित्य हिंदी में, देखिए इनका जो यहाँ पे देखिए हिंदी में इनके देखिए 70 में से दोस्तों 40 नंबर आ रखे हैं लिखित में, ठीक है। लिखित में इनके 40 नंबर आ रखे हैं, बट जो इन्होंने असाइनमेंट दिया हुआ है 30 नंबर का इनका असाइनमेंट है, उसमें सिर्फ इनके आ रखे हैं 7 नंबर। तो यहाँ पे ये एनसी है नॉट क्लियर है, क्योंकि इनको असाइनमेंट में है जो है दोस्तों 7 की जगह पे अगर इनके 11 नंबर होते तो ये पास होते, क्योंकि असाइनमेंट में आपको 11 नंबर लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखिए, आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्हीं के सामने आगे ये देखिए इनका जो है एनसी होगा यहाँ पे, ये देखिए, क्योंकि एनसी इनका इसलिए आ रखा है क्योंकि इनके असाइनमेंट में 11 नंबर से जो है कम नंबर है। अगर 11 भी होते या उससे प्लस होते तो ये पास होती, यहाँ पे क्लियर लिखा होता। सेम इसी तरह देखिए, इनका जो नीचे एनसी आर्क है, तो जो नेक्स्ट एनसी आर्क है इनका दोस्तों, वो आर्क है हिस्ट्री में, इतिहास में, और जो इनका सब्जेक्ट कोड है वो है BA HI 102। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, जो इनके लिखित में अच्छे नंबर आ रखे हैं, बट इन्होंने एक गलती यहाँ पे कर दी कि इन्होंने जो है इसका जो असाइनमेंट है वो नहीं दिया हुआ है, तो असाइनमेंट में ही इनकी जो है यहाँ पे बैक आ रखी है। तो ये देखिए, इनको जो है इस कारण यहाँ पे भी एनसी मिला हुआ है असाइनमेंट के कारण। तो दो सब्जेक्ट इनके ऐसे हैं जिनमें इनके एनसी आ रखे हैं असाइनमेंट में, ठीक है। इनको असाइनमेंट में दो जगह पे एनसी मिला हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक और है। तो यहाँ पे देखिए नीचे, आप देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट इनका है BAPS, ठीक है, सब्जेक्ट कोड है BAPS, और इसमें देखिए इनके जो मार्क्स आए हुए हैं दोस्तों, लिखित में भी ये फेल हैं और असाइनमेंट में भी ये फेल है। तो ये देखिए, लिखित में है इनके 21 नंबर, यहाँ पे होने चाहिए थे 25 नंबर, लाने जरूरी थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो असाइनमेंट है इसमें आ रखे हैं 10 नंबर। तो यहाँ इस कारण इनके जो है थ्योरी में भी ये इनका एनसी है और असाइनमेंट में भी इनका एनसी है, तो जिस कारण यहाँ पे इनका एनसी आया हुआ है, ये देखिए थर्ड उसमें। उसके बाद देखिए दोस्तों, इनका जो लास्ट जो आर्क है वो आर्क है इन्वायरमेंटल साइंस में, देखिए पर्यावरण में भी इनकी बैक आर्क ही है, क्योंकि पर्यावरण में दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि पर्यावरण में जो है आपको 100 में से 35 नंबर लाने होते हैं, तो यहाँ पे इनके जो मार्क्स आए हुए हैं 24 मार्क्स आए हुए हैं, तो जिस कारण इनके जो है यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस में भी बेकार किए। तो यहाँ पे इनको जो है दोस्तों चार जो है एनसी मिल रखे हैं। तो जो चार एनसी मिल रखे हैं दोस्तों, दो तो इनको असाइनमेंट में मिल रखे हैं, ठीक है। इनको देखिए दो
यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट इनको एनसी मिल रखा है वो असाइनमेंट में मिल रखा है, तो एक इनको असाइनमेंट का जो है फॉर्म फिल करना है यहाँ पे, किसका? हिंदी गद्य साहित्य का। और उसके बाद एक असाइनमेंट का फॉर्म फिल करना है इसको, मध्यकालीन भारत का इतिहास BA HI 102 का, ठीक है ये। और उसके बाद देखिए, एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें इनके जो है थ्योरी में भी जो है इनके जो है बैक आ रखी है और असाइनमेंट में भी बैक आ रखी है, तो इनको थ्योरी का भी अलग से जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और सेम उसी तरह जो है असाइनमेंट का भी फिल करना होगा। तो तीन इनको असाइनमेंट के फॉर्म फिल करने, और एक जो है इनको जो है इन्वायरमेंटल साइंस का भी इनका बैक आ रखा है, तो इन्वायरमेंटल साइंस का भी जो है दोस्तों इनको बैक फॉर्म फिल करना होगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आपका जल्दी ही होने वाला है, तो उसकी भी जो है मैं आपको अपडेट्स बता दूंगा कि कब जो है एग्ज़ाम होने वाला है आपको। तो उसके लिए दोस्तों मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको सारे अपडेट्स दी जाती है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और वहाँ पे आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, तो वहाँ पे मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूँ। तो ज़रूर वहाँ पे भी जुड़िएगा हमारे साथ। और अगर आपने जो है असाइनमेंट और जो बैक पेपर जो फॉर्म है वो फिल जो करना है, तो उसकी जो कैसे करना है वो भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आपका जो है फॉर्म फिल होने के बाद आपके पास मेल आ जाएगी कि आपका जो फॉर्म फिल है वो सक्सेसफुली हो चुका है, तो उसके बाद आपका जो है आगे अपडेट्स मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में हमारी।